अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ इस मेहंदी का, जो कि है ऑर्गेनिक रूट्स की। लुक एट दिस गाइस, इट्स जस्ट अमेजिंग। मेरे हाथ पे रंग तो देखें ज़रा, और ये इसी मेहंदी से आया है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। इट्स एक्सट्रीमली सेफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन एक्चुअली पुट इट ऑन आवर हेयर एज वेल। अब ये ज़रा रंग तो देखें, हेलो ब्यूटिफुल। और ये डिज़ाइन जो मैंने लगाया है बहुत आसान है। आगे वीडियो देखें, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और इसको लगाना कैसे है वो भी, मैं बात करते करते सिर्फ अपना मेहंदी का रंग देख रही हूँ कैमरा में। इट्स जस्ट अमेजिंग। मेरी तरफ से ये 110 क्या 1000 टाइम जो है रिकमेंडेड है। आई जस्ट लव इट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिटरली मेकिंग दिस। मेक योर ईद सेफ। तो मैं आज रिव्यू करने लगी हूँ ऑर्गेनिक मेहंदी फ्रॉम ऑर्गेनिक रूट्स, नो केमिकल्स। इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है फ्री अंटिल यू यूज, मतलब आपने इस्तेमाल करने से पहले फ्रीजर में रख देनी है। जब आपने इस्तेमाल करनी है 10 से 15 मिनट पहले आप निकाल लें। मार्केट में जो केमिकल वाली मेहंदियाँ हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप जैसे ही मेहंदी लगाते हो उसके 5-10 मिनट बाद आपका हाथ जलने शुरू हो जाता है, स्किन आपकी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों के ऊपर वो निशान भी छोड़ के गई होगी। बाय द वे आई एम आल्सो वन ऑफ देम। चलें आज आपको आसान सी मेहंदी लगाना सिखाती हूं। मेहंदी को अगर आप पेन की तरह पकड़ेंगे तो ग्रिप अच्छी आएगी। हमारा ट्रेडिशनल सा चांद बनाना है आपने, हमारे जो तुमगड़े बड़े फेमस हैं। डॉट्स डालने के बाद उसको हल्का सा आगे कर दें। अब छोटे छोटे से हमने अंगूर खट्टे हैं बनाने, उसके बाद इसको थोड़ा और डेकोर करते हैं। छोटी छोटी सी हमने इस तरह की बूटियाँ बना लेनी हैं, बहुत आसान सी हैं। अब जो जगह एम्टी रह जाएगी उसमें हमने वही तुमगड़े डाल देने हैं, जहाँ फंस गए तुमगड़े डाल। वंस यू आर डन, इसको दोबारा से पैक करके डीप फ्रीजर में रख दें। नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें बिल्कुल वैसी जैसे निकाली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आपने एक चम्मच पानी लेने और एक चम्मच चीनी लेनी है, माइक्रोवेव कर लें, मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका डिज़ाइन ड्राई हो जाए इसके ऊपर वो मिक्सचर किसी भी टिश्यू पेपर या कॉटन बर्ड से लेके ऊपर पैक कर लें। उस से आपका डिज़ाइन सेफ हो जाएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। अब जरा कलर देखते हैं। ओके गाइस, अपडेट ऑन आवर ऑर्गेनिक मेहंदी, लुक एट दिस। वो और डार्क होती जा रही है, और हम क्यों केमिकल्स के पीछे भाग रहे हैं? लाइक लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, दिस मेहंदी इज सो अमेजिंग। मैंने इसके रिव्यूज भी देखे हैं, मैंने इसका कलर भी देखा है। ये आराम आराम से इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। सो इट है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज देम, और मैं ऑलरेडी इसको इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। मैंने सोचा एक बार रिव्यू आप लोगों के लिए हो जाए इसका। ये तुम लोग सोचो कि इतनी मेहंदी है, नहीं है, अंदर मेहंदी है, ठीक है। व्हेन आई सी केमिकल वाली मेहंदी जब बच्चों को लग रही होती है और वो जो जिस बना के लग रही होती है, मेरी जान सूख रही होती है कि इतने स्टिफ हाथ होते हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा रिस्क मत लें। तो तभी जनाब मैंने मंगवाई थी इनसे ये इनकी मेहंदी, विच इज़ ज़ीरो केमिकल। और आप लोगों को अभी बाय करनी है, बाय कर लो, और इसको बाय करके डीप फ्रीज़र में रख देना। ये देखो, फ्रीज अंटिल यूज, सो ताकि ये आप जब दोबारा निकालें तो इसको आपने थोड़ी देर 15-20 मिनट बाय रखना है, मेरे ख्याल से 10 मिनट बाय रखना है, और उसके बाद ये लगा लेनी है। गेट इट नाउ।